हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। दोस्तों, अगर आपके भी हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों और जोड़ों से कटकट की आवाज़ आती है, जोड़ों में ऐंठन रहती है, मांसपेशियों में सूजन रहती है, तो हो सकता है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है लेकिन हमें उसका पता नहीं रहता है। दोस्तों, कैल्शियम की कमी को हम बहुत आसानी से घर पर ही क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जो कि किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। थकान, जोड़ों और घुटनों में दर्द रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, आलस रहना, कमजोरी महसूस होना, गठिया की समस्या है, आर्थराइटिस की समस्या है, पुरुषों में कमजोरी है, सभी चीज़ों का एक ही सिंपल सा आज एक सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये जो नुस्खा है ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में भी इसका वर्णन किया गया है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमारी किचन में ही मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है या चीज़ों को इकट्ठा करना है, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास रहती ही हैं। तो दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको पांच चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है सौंठ पाउडर। सौंठ जो कि सूखी हुई अदरक का पाउडर होता है, सूखी हुई अदरक का पाउडर आपको किसी भी किराना की दुकान पर आराम से मिल जाता है। दोस्तों, सौंठ जो होती है वो हमारे पाचन को दुरुस्त करती है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए सौंठ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ पेट से जुड़े रोगों को दूर करती है, गले की समस्याओं को दूर करती है, शारीरिक ताकत को बढ़ाती है। साथ ही दोस्तों, ये आपको सर्दी खांसी जुकाम में भी फ़ायदा करती है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द के लिए, गठिया की समस्या के लिए भी सौंठ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो रोज़ाना आप खाने में सौंठ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो भी खाना आप बनाते हैं उसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर मिला दें, या फिर रोटी बनाते हैं उसमें आप सौंठ पाउडर डाल करके आटा गूंद सकते हैं और उसकी रोटी बना के खा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से सौंठ का जो सेवन होता है वो शरीर को मजबूत बनाता है, शरीर में हड्डियों को ताकत देता है। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच जो है सौंठ का पाउडर ले रही हूँ। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है काली मिर्च के दाने। तो 15 से 20 काली मिर्च के दाने मैंने यहाँ पर लिए हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में काली मिर्च को औषधि का दर्जा दिया गया है, औषधि बताया गया है, क्योंकि ये कई बीमारियों का इलाज घर बैठे ही कर सकती है। सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो, मोटापे की समस्या हो, छाती में कफ जमा रहता हो, या फिर चर्म रोग की समस्या हो, डिप्रेशन को ख़त्म करना हो, तो काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, गठिया की समस्या के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, पेट के कीड़ों को दूर करती है। नियमित रूप से काली मिर्च का सेवन भी आपको ज़रूर करना चाहिए। वात विकारों को दूर करती है काली मिर्च। अगली चीज़ जो हमें यहाँ पर लेनी है वो है लौंग। तो यहाँ पर 5 से 6 मैंने फूल वाले लौंग ले लिए हैं। दोस्तों, लौंग भी आपके शरीर से वायु यानी वात को दूर करता है, साथ ही इसमें दर्द निवारक गुण होते हैं जो कि आपके हाथ पैरों जॉइंट्स के दर्द को ख़त्म करते हैं। साथ ही दोस्तों, दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है लौंग। अगर आप रोज़ाना रात को 2 लौंग खा करके गर्म पानी पी लेते हैं ना, तो पेट से संबंधित सभी विकार दूर होते हैं। तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है लौंग का सेवन। इसके बाद अगली चीज़ जो हमें इसमें डालनी है वो है खसखस। खसखस यानी पोस्त दाना, जिसको हम पॉपी सीड्स भी कहते हैं, जो कि मिठाइयों में प्रयोग की जाती है। दोस्तों, खसखस में हाई प्रोटीन होता है, साथ ही साथ इसमें फाइबर और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि जोड़ों के लिए बेहद फायदेमंद है, जॉइंट पेन को ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है उनके लिए खसखस को दूध में डाल करके पीना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। 1 चम्मच खसखस को अगर रोज़ाना रात में दूध में उबाल करके अगर आप पीते हैं तो रात में गहरी अच्छी नींद आती है और आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होता है। साथ ही खसखस आपकी पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करती है, सांस से संबंधित समस्या नहीं होती है खसखस के सेवन से। तो यहाँ पर लगभग 3 चम्मच के बराबर हमें खसखस डाल देना है इसमें।
अगली और आखिरी चीज़ जो हमें इसमें मिलानी है वो है जायफल। जायफल जो कि मूत्रवर्धक होता है, यानी ये आपके जो पेशाब की मात्रा है, यूरिन की मात्रा है, उसको बढ़ाता है, जिससे किसी भी तरह की किडनी स्टोन की समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जोड़ों घुटनों में दर्द की समस्या है, तो वो ख़त्म होती है। साथ ही साथ दोस्तों, जायफल का सेवन करने से डायबिटीज़ यानी मधुमेह भी कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ पर हमें एक टुकड़ा जायफल का इसमें डाल देना है। तो पांचों चीज़ें हमें यहाँ पर ले लेनी है और इसके बाद में इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कूट पीस कर इनका पाउडर तैयार कर लेना, एक चूर्ण तैयार कर लेना। चाहे तो मिक्सी में इसको ग्राइंड कर सकते हैं या फिर हमाम दस्ते में भी इसको पीस सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका है कि आप लंगरी में, हमाम दस्ते में इसको कूटें, क्योंकि इससे क्या होता है, इसके जो पोषक तत्व हैं वो बने रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको हमाम दस्ते में डाल दिया है और इसको पीस करके इसका पाउडर तैयार कर लेंगे, एक बारीक सा चूर्ण तैयार कर लेंगे। हमाम दस्ते में बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर तो नहीं तैयार हो पाता है, लेकिन हल्का दरदरा पाउडर आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप मिक्सी में तैयार करते हैं तो इसका बारीक पाउडर भी बन जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और इस तरह से इसका एक दरदरा सा पाउडर बनकर के तैयार हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे आपको सेवन करना है। दोस्तों, जिन लोगों का शरीर वात प्रकृति का होता है, जिनको घुटनों में, जोड़ों में, कमर में, कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वो लोग इसे सुबह सुबह खाली पेट लें। एक चम्मच आपको ये पाउडर लेना है बिल्कुल खाली पेट, और उसके साथ में आप हल्का गर्म पानी पिएं। और अगर आप पानी के साथ में नहीं ले सकते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसको दूध में डाल करके लें, क्योंकि दूध जो होता है ना दोस्तों, वो हड्डियों को मजबूत बनाता है। और दूध के साथ अगर आप किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो उसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। रात में सोने से पहले एक ग्लास दूध ले लें और उसमें एक चम्मच इस पाउडर को डाल करके अच्छे तरीके से उबाल लें, बॉयल कर लें, और उसके बाद में इसको हल्का गरम गरम पिएं। चाहें तो इसको मीठा करने के लिए आप थोड़ा सा मिश्री मिला सकते हैं। अगर मिश्री नहीं मिलाना है तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं। तो एक चम्मच मैं यहाँ पर शहद मिला रही हूँ इसमें। और जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है, वो बिना मिश्री और शहद के इसका सेवन करें। इस तरह से आप सुबह सुबह इसको खाली पेट पानी के साथ लें, या फिर रात में सोते समय इसको दूध के साथ प्रयोग करें। तो सर्दी के मौसम में आप इसको रोज़ाना भी ले सकते हैं और गर्मी के मौसम में एक दिन छोड़ करके इसका सेवन करें। इस नुस्खे को रोज़ाना लेने से आपके जोड़ों के, घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी, हाथ पैर दर्द, कमर दर्द, जॉइंट पेन में आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।